हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, यूरोप में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है। इस लाइब्रेरी में एक इंतहाई हैरत अंगेज और पुरस्रार किताब पड़ी हुई है। इस किताब का नाम कोडेक्स गिगास है और इसको डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। ये यूरोप में लिखी गई सबसे बड़ी किताब है जो आज तक मौजूद है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसको खुद शैतान ने लिखा था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी किताब है। 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी इस किताब के 320 पेजेस हैं। कहते हैं कि इसको गधे की खाल पर लिखा गया है और इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब की एक इंतहाई हैरत अंगेज बात यह है कि इस किताब के अंदर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी बनी हुई है। लाल रंग के हॉर्न्स यानी सींग और बाहर निकली हुई इसकी दो जबानें। ये तस्वीर इस किताब में क्यों बनाई गई वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बहरहाल, कोडेक्स गिगास के बारे में आज भी दुनिया में बहस की जाती है, लेकिन इस पुरस्रार किताब की कहानी क्या है? दोस्तों, ये कहानी 13th सेंचुरी में शुरू होती है। कहते हैं कि 1229 में यूरोप में आज जिस जगह चेक रिपब्लिक है, उस जगह एक मॉन्क रहा करता था। इस मॉन्क का नाम हरमन द रेकलेस था। इसने अपने मजहब के कुछ असूल तोड़े थे और इसको इस बात पर सजाए मौत सुना दी गई और फिर इस मॉन्क को कैद कर दिया गया। इसने रहम की भीख मांगी तो इसको एक शर्त पर माफ करने का फैसला किया गया। वो शर्त यह थी कि ये सिर्फ 24 घंटों में एक ऐसी किताब लिखे जिसमें दुनिया भर से मुतालिक मालूमात मौजूद हो। मॉन्क के पास कोई और चारा नहीं था और इसने गधे की खाल पर यह किताब लिखना शुरू कर दी। लेकिन रात होते ही इसको इस बात का एहसास हो गया था कि ये ऐसी किताब को सिर्फ 24 घंटों में नहीं लिख सकेगा और इसीलिए इसने फैसला किया कि ये इस किताब को मुकम्मल करने के लिए शयातीन की मदद लेगा। यानी इसने अपनी रूह को शैतान को बेचने का फैसला कर लिया। वैसे ये काम आज बहुत से सेलिब्रिटीज ओपनली करते हैं। खैर, कहानी इस तरह है कि इस किताब को लिखने में उस रात शैतान ने खुद इस मॉन्क की मदद की और दरअसल इतनी बड़ी किताब को शैतान ने खुद लिखा। इस किताब में जादू, तारीख, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और इस जैसी कई बातें लिखी हुई हैं। और फिर जब यह किताब मुकम्मल हो गई तो इस मॉन्क ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद इस किताब के एक सफ़े पर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर बना दी। इसके बाद इस मॉन्क की जान तो बच गई, लेकिन यह किताब दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई। उस वक्त वहां पर रहने वाले मॉन्क्स ने इस किताब को रोमन एम्पायर के बादशाह किंग रोडोल्फ 2 को बेच दिया। किंग रोडोल्फ इस किताब से ऑब्सेस्ड हो गया था और कहते हैं कि ये हर वक्त ये किताब पढ़ता रहता था। और दोस्तों, फिर बहुत जल्द ही किंग रोडोल्फ पागल हो गया और इसको बादशाहत करने के लिए अनफिट करार दे दिया गया था। कोडेक्स गिगास की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ये भी है कि इस किताब को लिखने में 25 से 30 साल लग जाते और इसको एक आदमी अकेला इतने जल्दी नहीं लिख सकता था। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि इस किताब को जिस स्याही यानी इंक से लिखा गया है, वो स्याही कीड़ों से बनी हुई है। और रिसर्चर्स का मानना यह है कि इस किताब की लिखाई इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में बगैर किसी वक्फे के लिखा गया है। इसके अलावा ऐसी हैंडराइटिंग उस वक्त की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। और यही वो सारी बातें हैं जो इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि इस किताब को दरअसल खुद शैतान ने लिखा था, जिसकी तस्वीर भी इस किताब में बनाई गई है। खैर, असल हकीकत जो भी है, 1648 में स्वीडन की आर्मी ने चेक रिपब्लिक पर हमला कर दिया था और चेक रिपब्लिक के शहर प्राग को लूटना शुरू कर दिया। इसी लूट मार के दौरान इनको ये किताब भी मिल गई जो स्वीडिश फौजी अपने साथ वापस स्वीडन ले गए। और आज ये पुरस्रार किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में ही मौजूद है। इसके बारे में बहुत से लोग रिसर्च कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोडेक्स गिगास के बारे में ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
उससे होगा ये कि इस चैनल की जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।